यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। सोहना के पुराने बस स्टैंड फवारा चौक पर नवकल्प फाउंडेशन गुरुग्राम के सहयोग से 100 जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। वितरण के दौरान सोहना विधायक कुंवर संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह इस वैश्विक महामारी ने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया है, लेकिन हमारा देश अभी बचा हुआ है। हमारा देश संस्कृति का देश है और जिस तरह लोग रामायण को देख रहे हैं, भगवान राम को रामायण में साक्षात दिखाया गया है कि किस तरह मर्यादा, भगवान राम की जीवन शैली कैसी है, उसी को देखकर हमारे देश की जनता जिम्मेवारी के साथ अपनी संस्कृति को बढ़ाने में लगी है। उन्होंने कहा कि नवकल्प फाउंडेशन गुरुग्राम में जरूरतमंदों को जिस तरह से सहयोग कर रही है, बहुत ही सराहनीय है। उसी के चलते आज नवकल्प फाउंडेशन सोहना के फवारा चौक पर जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। साथ ही हम इनका आभार व्यक्त करते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि यह संस्था इसी तरह बढ़ चढ़कर भाग लेती रहे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कितना ही लंबा क्यों न चले, सामाजिक संस्थाएं तथा सरकार अपना कर्तव्य निभाने का काम करेंगी। ये कार्यक्रम हमारे भाई अनिल जी आ रही है जो प्रेस में भी, और एक जो ट्रस्ट नवकल्प फाउंडेशन जिनका चल रहा है, उसके सौजन्य से आज सोना में उन्होंने हमारे क्षेत्र में आकर के जो सेवाएं दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और वो गुड़गांव में भी लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, समाज में जैसी भी उनकी जो इच्छा अनुसार हमेशा वो हर परिस्थिति में समाज के साथ भी रहते हैं। सरकार की परिस्थिति देश के सामने आ रही है, क्यों आए दिन लगातार कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव केस मिलता है, तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन की आवश्यकता भी है आज देश में। और जहाँ तक आपने कहा कि देश संस्कृति का देश है, जो अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि अभी पीछे आप लोगों ने सभी ने जो रामायण का एपिसोड जो चल भी रहा है अभी, तो उसमें ये साक्षात तौर पर दिखाया गया है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन जीने की शैली किस प्रकार, किसकी जिम्मेवारी कहाँ क्या बढ़ती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारा समाज अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, मैं समझता हूँ लॉकडाउन कितना भी लंबा क्यों ना चले, सामाजिक संस्थाएं इसमें अपना पूरा लंबा समय तक योगदान देंगी और आगे चलता भी रहेगा। वहीं नवकल्प फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का कहना था कि सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कुछ जगह 3 जोन बना दिए हैं, जिसमें ऑरेंज जोन में भी रियायत दी जा रही है तथा सरकार ने ग्रीन जोन को खोल दिया है। जो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए भी सरकार प्रयास करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय में साथ साथ लोगों को ज्ञान भी व शिक्षा भी मिली है और पता भी चल गया कि यह बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। आने वाले समय में हम बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगे। यश बाबू न्यूज के लिए सोहना से राजेंद्र होटला की रिपोर्ट। काम करा है कि जहाँ ग्रीन जोन है, जहाँ पे बिल्कुल कोरोना के पेशेंट नहीं है, तो वहाँ खोल दिया है, शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है धीरे धीरे ऑरेंज जोन में जो रियायतें देंगे उससे वो होगा और लोगों को एक सुकून मिलेगा। जो लोग लेबर पहुँच नहीं पा रही थी वो पहुँचने लगी अपने घरों में, तो अब हालात बेहतर होंगे। एक समय के साथ साथ लोगों को शिक्षा ज्ञान भी मिल गया कि कैसे हमने बीमारी से बचना है, कैसे दूर रखना है, कैसे डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम धीरे धीरे और विदेशों से जो और देश हैं उनसे बहुत बेहतर तेजी से हम प्रोग्रेस।